राजस्थान में जारी सियासी दंगल में अब कांग्रेस बनाम बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई शुरू हो गई है। मंगलवार सुबह बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा था। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया है और एक बार फिर बसपा को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता करार दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के अघोषित प्रवक्ता ने बीजेपी की मदद करने के लिए व्हिप जारी किया है, लेकिन ये सिर्फ व्हिप नहीं है बल्कि लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। मंगलवार सुबह ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। मायावती की ओर से कहा गया कि कांग्रेस ने लगातार धोखा दिया है और धोखे से ही बसपा के विधायकों को अपनी ओर किया है। बसपा की ओर से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार गिरती है तो इसके लिए अशोक गहलोत ही जिम्मेदार होंगे। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और मायावती के बीच इससे पहले भी इस तरह ट्विटर वॉर छिड़ चुकी है। प्रियंका लगातार बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता बताती आई हैं।